आज भारत उन चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहा है जो दशकों से लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। इनमें से एक है नक्सली उग्रवाद, जो अपनी जड़ें घने जंगलों, आदिवासी क्षेत्रों और सुदूर गांवों में फैला रहा था और देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। कुछ साल पहले तक इनका विद्रोह अपने चरम पर था। इसके चलते 16,000 से ऊपर सुरक्षा बल एवं आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास बरसों तक बाधित रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की। नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है। द्वारा 21 करोड़ रुपए, ईडी द्वारा 10 करोड़ 64 लाख रुपए और एनआईए द्वारा 37 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि सब लोग हथियार डालकर आए। मैं तो आज भी कहता हूं कि हथियार डालकर आना है उनका स्वागत, मगर हाथ में हथियार है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं। मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रेसिंग जैसे इनोवेटिव तकनीकी तरीकों से नक्सलियों को घेरा जा रहा है। ऑपरेशन में मदद और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और उन्हें नाइट लैंडिंग के लिए हेलीपैड्स का प्रकल्प प्रदान किया गया है। एकीकृत कार्य योजना यानी कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया। साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग और पुनर्वास की नीतियों ने नक्सलियों को समाज में शामिल करने के लिए स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनमें सुधार किया। इन सुधारों को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम SIS द्वारा और मजबूती मिली और राज्यों को विशेष परियोजनाएं लागू करने एवं 2025-26 तक और नए फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन रणनीतियों के फलस्वरूप पिछले 9 वर्षों में वाम विचारधारा से प्रभावित हिंसक घटनाओं में भारी कमी आई और वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा। अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर सिर्फ 45 रह गई है। नक्सली घटनाओं में 52% की कमी हुई और इनसे होने वाली मौतों में 69% की कमी हुई। सुरक्षा बलों की शहीदी में 71% की कमी हुई और नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और पारसनाथ ट्राई जंक्शन को 3 दशक के बाद अब नक्सलियों से मुक्त किया जा चुका है। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और समृद्धि का सूर्योदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है।